रही है और मरीनर्स के बीच ये मुकाबला चल रहा है। में ये दोनों ही जो फाइनल में कॉम्पिटिशन करवाए जा रहे हैं, जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज दोनों सेक्शन पे खिलाड़ी ने यहाँ तक हमारे बच्चे पहुंचे और इंडिया कोचिंग कैंपस तक भी हमारे बच्चों ने अटेंड किया है। यात्री हैं सौरभ शर्मा, वो भी पुराने डॉक्टर रह चुके हैं, तो मैं देख रहा हूँ सौरभ किसी जो है वो भी स्टेड में मौजूद है। पुराने बॉक्सरों का एक कारण हम मुस्ताब के साथ जो कि बॉक्सिंग सभी जानते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग खेलें होती हैं, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, टाइकवांडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, ये सभी जो है स्पोर्ट्स के लिए सोच के आपको शाम को मैं कह सकते मेला का रहता है। सभी गेमों का अलग अलग गेमों बच्चे खेल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो बॉक्सिंग इस वक्त आप देख रहे हैं गर्ल सेक्शन में मैं मुकाबला कर सकता हूँ। दूसरे गोल्ड मेडल की जिनकी उनकी मेहनत है उनकी वजह से आज शुरू होता है। खिलाड़ी काफी प्रस्तुत यहाँ पर ही रूम में बता रहे हैं, काफी तेज प्रभाव है पंचों द्वारा किया जा रहा है द्वारा खिलाड़ी में जो प्रभार है जो है उसमें चेहरे पर भी बराबर कर रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वही प्रेजेंट भी कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी के। आखिरी मुकाबला ये चल रहा है मोहम्मद अमार और वाइद मदक के बीच सब जुड़े कटी में एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन इसमें की बॉक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रही है, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है आया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल आया, ये सब मेरे कोच सब की बदौलत है, उन्हीं की जो है प्रैक्टिस वगैरह आज कामयाब हुई है जिससे मेरा गोल्ड मेडल आया। जैसे कि दो दिन से डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप चल रही है जिसमें जूनियर सीनियर और सब जूनियर कैटेगरी के बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया है। रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड के खिलाड़ी काफी स्किल जो उन्होंने सीखे हमें कहते थे उसका प्रदर्शन यहाँ पर एक बार का प्रयास जरूर किया था ग्रीन कार्ड के खिलाड़ी ने हम कहते हैं कि क्या इस बार को अच्छी पंच में कह सकते हो ग्रीन कार्ड के खिलाड़ी इस वक्त ये कि ये दो दिन का हमारा डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप पुंछ थी, इसमें बेसिकली इसको नाम दिया जाता है 90 डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। ये मैन हेडिंग जो है जे एंड के एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन है विद द कोलाब्रेशन ऑफ जे एंड के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करवाया ये हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ एसोसिएशन ने करवाया है ये दो दिन में। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी, बॉयज़ भी थी, गर्ल्स भी थी, और इसमें अगर टोटल आप देखें तो दो दिन में हमारे यहाँ 52 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें 6 गर्ल्स थी और 46 बॉयज़ थे, और इसमें सब जूनियर भी थे, जूनियर भी, यूथ और सीनियर में भी कुछ वोटें हुई हैं।